नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आज हम पढ़ेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता क्या है, तो सबसे पहले हम जानते हैं इसकी पहचान। इसकी पहचान क्या होती है, ठीक है? तो इसकी पहचान लिखिए आप, जिस वाक्य के अंत में, मैं लिख भी रहा हूं यहां पे, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, जिस वाक्य के अंत में, वाक्य का मतलब जो हम बोलते हैं, जिस वाक्य के अंत में रहा है रही है रहे हैं रही हूँ और रहे हो आए। जिस वाक्य के अंत में रहा है रही है रहे हैं रही हूं रहे हो आए, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उस वाक्य को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है और ये इसकी पहचान है। जैसे कि मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, तुम गाली दे रहे हो, आप बातें कर रहे हो, तो देखो रहे हो आ रहे थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ये इसकी पहचान है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। अब हम इसके रूल पे चलते हैं। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर हमारा रूल होता है अफर्मेटिव। हर टेंस का अफर्मेटिव होता है और उसका नेगेटिव होता है और इंटरोगेटिव होता है। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है बताते हैं आपको। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक का मतलब क्या है? जिसके अंदर कर्ता किसी काम को करने की स्वीकृति, हामी भरता है, उसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं जा रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं ना, मैं जा रहा हूं, हां कर रहा हूं मैं, तो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अफर्मेटिव के अंदर मैं हर सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी और किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, मैं आपको तीनों खुल के लिख रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ही ना हो। तो जैसा कि आई आया, तो आई के साथ आप क्या लगाएंगे? एम। फिर आएगा हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमारी यहां पे फर्स्ट। मैं ऐसे लिख रहा हूं इजी वे में ताकि आपको पता रहे कि यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फर्स्ट फॉर्म में आप लगाएंगे आईएनजी। फिर आएगा हमारा गाइस ऑब्जेक्ट। एक रूल तो ये है हमारा, याद रखिएगा, एक रूल ये है हमारा, आई के साथ एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। फिर दूसरा रूल है हमारा ही शी इट, और ये है हमारा नेम, इसके साथ आप लगाएंगे इज, ठीक है? फिर यहां पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आपकी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई इसमें, और इसमें क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा हमारा आईएनजी प्लस में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। एक रूल ये हो गया हमारा, जैसा कि ये रूल बना दिया मैंने आपके लिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज, है ना? यानी ही शी नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये आईएनजी है, और प्लस ऑब्जेक्ट लेंगे।
फिर दूसरा रूल है हमारा, तीसरा रूल है हमारा, यू वी दे, इसके साथ आर लगाएंगे आप, आर के साथ वही सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी देन ऑब्जेक्ट, ये हमारे अब रूल तैयार हो चुका है हमारा, ये रूल हमारा रेडी हो चुका है। तो ये हमारा अफर्मेटिव रूल है, मैं आपको बिल्कुल खुल के बच्चों की तरह आपको मैंने समझाया है। आई के साथ एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ही शी इट नेम, यानी किसी का नाम आ जाए सुरेश रमेश तो उसके साथ भी आप इज लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यू और वी, यू हो सब्जेक्ट वी हो दे हो, इसके साथ आ रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल है। अब हम इससे रिलेटेड वाक्य बनाएंगे और देखेंगे कैसे कैसे सेंटेंस बनते हैं। तो मैंने यहां पे पहला सेंटेंस लिखा कि तुम खामा खा, ये मैंने पहले ही बताया, तुम खामा खा डर रहे हो, तुम खामा खा डर रहे हो, डर रहे हो, तुम खामा खा डर रहे हो। तो तुम डर रहे हो तो यानी यहां पे क्या आएगा, यू, जैसा कि मैंने बताया कि यू के साथ क्या आता है गाइस, तो यहां पे देखिए रूल यू है और यू के साथ क्या आएगा, आर आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है। तो हमने यहां पे ले लिया यू के साथ आर और आर के बाद चाहिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो हम कौन सा काम कर रहे हैं, यू, तुम खामा खा डर रहे हो, खामा खा को तो अब भूल जाओ, हटा दो इसको, अब क्या बच्चा हमारे पास, तुम डर रहे हो, डरना हमारी जो है हमारा एक्शन वर्ब है, हमारी मेन वर्ब की फॉर्म है डरना, तो डरने को कहते हैं हम इंग्लिश में फियर और फियर में आपने लगा दिया आई एन जी क्योंकि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जरूर लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जरूर लेंगे। देखिए रूल में यू वी दे के साथ आर लिया, फिर वहां पे मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फियर लगाई थी और फियर में मैंने क्या लगाया आई एन जी, अब क्या चाहिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। तो यू आर फियरिंग आई एन जी लगा दिया, खामा खा को इंग्लिश में बोलते हैं फॉर नथिंग, क्या बोलते हैं फॉर नथिंग, सेंटेंस हमारा बन गया यू आर फियरिंग फॉर नथिंग, अब बेमतलब में डर रहे हैं, अब खामा खा डर रहे हैं। अगला सेंटेंस देखिए जरा, मैं बोलूं कि वह मुझे बुला रही है, वह मुझे बुला रही है, वह मुझे बुला रही है, वह बुला रही लड़की है तो सी और सी के साथ इज आएगा। यहां पे आप रूल देख सकते हैं, आप देखिए मैंने यहां पे लिखा है ही शी इट नेम के साथ क्या आएगा, इज आएगा, ये मैंने पहले पढ़ा दिया, इज आएगा और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आएगी। तो शी इज और बुलाने को क्या कहते हैं गाइज, कॉल और इसमें लगा दिया हमने आई एन जी कॉलिंग और किसे बुला रही है, ये हो गया मी ऑब्जेक्ट, तो शी इज कॉलिंग मी, वह मुझे बुला रही है। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं बोलूं कि मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं, मैंने सेंटेंस बनाया मैं आ रहा हूं, मैं यानी आई हो गया, आई के साथ एम और आने को क्या कहते हैं हम कम और कम में लगा दिया मैंने आई एन जी कमिंग, तो आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं। तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि देखिए कम की जो स्पेलिंग होती है वो होती है कम, ठीक है, लेकिन जब हम इसमें आई एन जी लगाते हैं तो ये जो ई होता है ये अपने आप हट जाता है, तो फिर हमारा बन जाता है कमिंग, इसलिए यहां से मैंने ई हटा दिया तो ये कमिंग बना। तो याद रखना जिस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में ई आ रहा हो तो जब उसमें आप आई एन जी लगाओगे तो ई हट जाएगा और ई के स्थान पर ये आई एन जी आ जाएगा, कमिंग, ठीक है। तो ये मैंने सेंटेंस आपको बनाए। तो इस प्रकार से हम हजारों कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं, हमारे पास वर्ड पावर अच्छी होनी चाहिए और आप रूल लगाते रहिए और बनाते रहिए। तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं आपको आगे और कराता हूँ सेंटेंस ऐसे रिलेटेड। तो देखते हैं दो चार सेंटेंस और, जैसे मैं बोल दूँ कि जैसे मैंने एक सेंटेंस लिख लिया कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आपकी मदद कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ तो आई हो गया और आई के साथ एम
और मदद करने को क्या कहते हैं हम, हेल्पिंग। आई एम हेल्पिंग यू, यू ऑब्जेक्ट हो गया, आई एम हेल्पिंग यू, मैं आपकी मदद कर रहा हूं, ऐसे करके। जैसे मैं बोल दूं कि वह नहा रहा है, वह है नहा रहा है, तो वह के लिए ही आ गया और ही के साथ क्या है इज, और नहाने की क्या हो गई हमारी बाथिंग, ही इज बाथिंग, वह नहा रहा है। ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं, बस आपको वर्ड मीनिंग आनी चाहिए। जैसे मैं बोल दूं कि तुम मुझ पर हंस रही हो, तुम मुझ पर हंस रही हो। मैंने सेंटेंस ये बनाया, तुम हंस रही हो, तो यहां पे क्या आएगा यू, और यू के साथ क्या आएगा, आपने नोट डाउन कर लिया हुआ रूल मैंने जैसा लिखा है, आप देखते रहिए क्या पढ़ा रहे हैं हम आपको। तो यू के साथ भी क्या आएगा आर, और हंसने की क्या हो जाएगी लाफ, लाफ में लगा दिया हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, लाफिंग। लाफ के साथ हमेशा एड प्रीपोजिशन आती है, तो यू आर लाफिंग एट मी, तो मुझ पे हंस रही हो। तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस जितने चाहें उतने बना सकते हैं, बस आपको वर्ड मीनिंग आनी चाहिए। देखते हैं एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि हम थोड़ा सा और अच्छे से सीख सकें, आपका और क्लियर हो। जैसे अब मैंने बोला कि मैंने बोला हमें देरी हो रही है, हमें देरी हो रही है, हमें देरी हो रही है, तो हमें हो रही है क्या हो जाएगा वी, और वी के साथ क्या आएगा गाइस आई आर, वी आर, और देरी होने को कहते हैं हम गेट, तो गेट में लगाया मैंने आई एन जी गेटिंग, और ये हो गया हमारा लेट। क्योंकि क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये सारे आपको वर्ड मैं बताऊंगा आगे, गेट लेट का मतलब होता है देरी होना, देर होना, ये होता है गेट लेट का मतलब क्या होता है देर होना, गेट लेट का मतलब देर होना, तो गेट में क्या करेंगे हम आई एन जी लगाएंगे, तो जब हम गेट में आई एन जी लगाते हैं तो डबल टी हो जाता है, तो ये इस प्रकार से ये हो जाएगा जी ई डबल टी आई एन जी। तो ये सेंटेंस बन गया वी आर गेटिंग लेट, हमें देरी हो रही है, ठीक है। अब मैं बोल दूं कि चाय ठंडी हो रही है, चाय ठंडी हो रही है, माय हिंदी इज नॉट वेल गाइस नाउ सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ लिखने को, चाय आई थिंक मैंने सही लिखा होगा, चाय ठंडी हो रही है, मैंने क्या लिखा चाय ठंडी हो रही है, चाय ठंडी हो रही है, तो चाय ठंडी हो रही है ये मैंने है लिखा हुआ है, चलो इसे थोड़ा और अच्छा रख देते हैं, चाय ठंडी हो रही है, तो चाय यानी हमारा सब्जेक्ट तो टी हो गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ही शीट नेम, और नेम, नेम का मतलब क्या है, चाय नाम ही तो है, तो नेम के साथ भी क्या आएगा इज आएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आएगा। सो देखते हैं गाइस यहां पर टी के साथ क्या आएगा हमारा इज आ गया, और चाय ठंडी होने को गेट कोल्ड, गेट कोल्ड का मतलब होता है ठंडा होना, गेट कोल्ड का मतलब क्या होता है गाइस ठंडा होना होता है, ठीक है मैं लिख दे रहा हूं यहां पे जी ई टी गेट और कोल्ड सी ओ एल डी, कोल्ड का मतलब ठंडा, गेट कोल्ड ठंडा होना, फिर वही सेम चीज जैसे गेट लेट देर होना, तो गेट कोल्ड ठंडा होता, गेट में क्या करो आई एन जी लगा दो आप, तो ये हमने इसमें लगा दिया आई एन जी और सी ओ एल डी कॉल्ड, तो टी इज गेटिंग कॉल्ड, चाय ठंडी हो रही है, टी इज गेटिंग कॉल्ड, पी लीजिए ऐसे करके। चलिए फिर हम आगे देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स जो हम यूज करते हैं लाइफ में। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस यूज कर सकते हैं अफर्मेटिव में, तो मैंने आपको यहाँ पे 8-10 एग्जाम्पल दे दिए हैं, और बाकी हम आपको इसमें इसका जो है प्रैक्टिस सेट भी देंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, ठीक है ना। जैसे देखिए मैं आपको बता दूं कि कई बार क्या होता है कि आप लोग बहुत सारे सेंटेंस यूज कर सकते हैं आप, ठीक है इस प्रकार से। तो अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव रूल। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अब हम नेगेटिव रूल पढ़ेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, इसका होता है नकारात्मक, नकारात्मक
वाक्य जिसमें कर्ता किसी काम को ना बोलेगा, तो इसका रूल क्या होगा? आई के साथ एम, देन नॉट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, चलो पूरा ही लिख देते हैं हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लिखा मैंने? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेंगे और आईएनजी के बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यहां पे आईएनजी लेंगे, ठीक है गाइस? ये वर्ब लिखा है मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ये हमारा नेगेटिव रूल है। इसका दूसरा रूल है हमारा, मान लीजिए अगर ही है और शी है और इट है और नेम। मुझे पता है, आई होप आप लोग सभी समझ रहे होंगे, बट मैं आपको खुल के लिख रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि कुछ जो लर्नर्स होते हैं वो बड़े वीक होते हैं, वो लोग समझ नहीं पाते कि ही के साथ क्या आएगा और आई के साथ क्या आएगा, तो वही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है? डन। तो हमारा इज नॉट हो गया, और इज नॉट के बाद हमारा आएगा वर्ब की, वही वर्ब की, ये की लिखा है मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस में ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा गाइस, ठीक है? तो हम क्या लेंगे यहाँ पे? वही सेम यार, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये याद रखिएगा कि यहाँ पे आईएनजी लग रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग रहा है, इज नॉट लगाना है, बाकी सारी चीजें सेम चल रही है जैसा मैंने अभी पहले पढ़ाया था। बस क्या करना है, इज में नॉट और एम में नॉट लगा रहे हैं हम। जो हमारा तीसरा रूल है इसका, यू वी एंड देन दे, दे के साथ आप लगाएंगे आर, फिर नॉट, और यहां भी क्या जाएगा हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में हमारा आ जाएगा यहां पर, ये हमारी जो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, ये लीजिए मैंने लिख दिया यहां पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी अफर्मेटिव की तरह है ये हमारा। कुछ खास उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, बस इसमें क्या लग रहा है, सब कुछ सेम रोल है, बस रूल है यहाँ पर, बस इज एम आर के बाद हमारा क्या आ रहा है, इज एम आर के बाद हम बस नोट लगा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। तो बस याद रखना, आर के बाद नोट लगा दो नेगेटिव बन जाता है, इज के बाद नोट लगा दो नेगेटिव बन जाता है, एम के बाद नोट लगा दो वो हमारा नेगेटिव बन जाता है। बाकी सेम रूल है जैसा अफर्मेटिव का, तो बस इसमें नोट का यूज हो रहा है। तो अब हम इससे रिलेटेड सेंटेंस देखते हैं, है ना? तो चलिए हम शुरू करते हैं वाक्य। अब जैसे मैं बोल दूं कि मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा हूं आज। मान लीजिए आपको किसी ने बुलाया है और आपने कह दिया यार कि ऐसे ऐसे बोल दिया आपने, मैं नहीं आ रहा आज। तो मैं नहीं आ रहा, तो मैं के लिए क्या आएगा, आई देन एम, और एम के साथ नॉट, और आने की क्या हो जाती है, कमिंग, आई एम नॉट कमिंग टुडे, आज मैं नहीं आ रहा हूं, आई एम नॉट कमिंग टुडे, ये टुडे लिखा हुआ है। लिख देते हैं, कुछ बच्चों को स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, वो सोचते हैं क्या लिख दिया है टीचर ने, तो ये टुडे लिखा है मैंने, आई एम नॉट कमिंग टुडे, मैं आज नहीं आ रहा हूं। तो जैसे मैंने बोल दिया अगला सेंटेंस, वह खाना नहीं खा रही है, वह खाना नहीं खा रही है, वह लड़की है, तो इसके साथ क्या लिया हमने, शी, और शी के साथ क्या आ जाएगा, रूल में मैंने लिखवा दिया, इसको नोट डाउन कर लीजिए, शी इज नॉट ईटिंग, शी इज नॉट ईटिंग, तो बन गया सेंटेंस, शी इज नॉट ईटिंग द फूड, वह खाना नहीं खा रही, शी इज नॉट ईटिंग द फूड, वह खाना नहीं खा रही है। अगला सेंटेंस, मैंने बोला कि तुम
तुम बता, तुम बता नहीं रहे हो, तुम बता नहीं रहे हो। तो तुम बता नहीं रहे, तो तुम के लिए क्या आ गया, यू आ गया, और यू के साथ आर, और आर के साथ नॉट लगाया, और बताने की क्या हो जाएगी हमारी, टेल, और टेल में क्या लगा दिया हमने, आई एन जी, तो ये बन गया यू आर नॉट टेलिंग, तुम बता नहीं रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं नेगेटिव, बस क्या करना है, इज एम आर के बाद नॉट लगाते रहिए, वर्ब की फर्स्टों में आई एन जी लगाते रहिए, और आपका नेगेटिव सेंटेंस बनता ही चला जाएगा। आगे देखिए जरा, जैसे मैंने बोला कि तुम अपने दिल की, तो अपने दिल की बात बात नहीं, तो अपने दिल की बात नहीं बता रही हो, नहीं बता रही हो, तुम अपने दिल की बात नहीं बता रही हो। चलिए जी, हो लिख देते हैं हम, ये हो गया हो। तुम अपने दिल की बात नहीं बता रही हो, तो तुम नहीं बता रही हो, तुम अपने दिल की बात नहीं बता रही, तुम यानी यू, और यू के साथ आर, इसके साथ नॉट लगा दिया। दिल की बात बताने को क्या कहते हैं, जैसे मैं बोलूँ तुम अपने दिल की बात कह दो, तो दिल की बात बताने को कहते हैं स्पीक, स्पीक योर माइंड, स्पीक योर माइंड, ठीक है, स्पीक योर माइंड, अपने दिल की बात कहना या मन की बात कहने को कहते हैं स्पीक योर माइंड। तो यहां पे सेंटेंस स्पीक आ रहा है, तो स्पीक क्या करेंगे हम, आई एन जी लगा देंगे, तो यू आर नॉट स्पीकिंग योर माइंड। सो गाइस, ये हमारा सेंटेंस बन गया, यू आर नॉट स्पीकिंग योर माइंड। आप कभी ऐसा सेंटेंस जब आपको बोलना है कि तुम अपने दिल की बात नहीं बता रही हो, तो आप ये मत बोल देना कभी इंग्लिश में कि यू आर नॉट टेलिंग द मैटर ऑफ योर हार्ट्स, ओके, बिकॉज ये करेक्ट इंग्लिश नहीं होती है, इनकरेक्ट इंग्लिश होती है। तो राइट इंग्लिश क्या है, ये दैट इज जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यू आर नॉट स्पीकिंग योर माइंड, अपने मन की बात नहीं बता रहे हो, अपने दिल की बात नहीं बता रहे हो। चलिए फिर अगला सेंटेंस देखते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि चलो वह लेते हैं, वह है, जैसे मैं बोल दूं कि वह है, जैसे वह काम नहीं कर रही है, वह काम नहीं कर रही है, वह काम नहीं कर रही है, लड़की है तो शी आया, सी के साथ इज और नॉट लगाया, काम करने को क्या कहते हैं हम, काम करने को इंग्लिश में बोलते हैं डू वर्क, क्या बोलते हैं हम, डू वर्क कहते हैं हम। तो डू वर्क का मतलब क्या है हमारा, काम करना, है ना, तो डब्ल्यू ओ आर के वर्क, तो डू में क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे, तो ये हो गया हमारा शी इज नॉट डूइंग वर्क, वह काम नहीं कर रही है। जैसे मैं बोल दूं कि मैं नाराज नहीं हो रहा, मैं नाराज नहीं हो रहा, मैं नाराज नहीं हो रहा, तो आई आया और आई के साथ एम, और एम के साथ नॉट, और नाराज होने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, मैं पहले ही बता चुका, नाराज होने को क्या कहते हैं, नाराज होने को कहते हैं हम गेट एंग्री, क्या बोलते हैं हम, गेट एंग्री, गेट एंग्री नाराज होना होता है, तो गेट में क्या करेंगे हम आई एन जी लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आई एम नॉट, आई एम नॉट गेटिंग एंग्री, और ये हमारा सेंटेंस बन गया, आई एम नॉट गेटिंग एंग्री, मैं नाराज नहीं हो रहा। तो ऐसे सेंटेंस हम बना सकते हैं, बस आपको वर्ड मीनिंग पता होनी चाहिए और इसमें कुछ खास चीज नहीं है, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं कि मैं तुझे धोखा नहीं दे रहा, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूं, तो मैं यानी आई, और आई के साथ एम, और एम के साथ नॉट, और धोखा देने को कहते हैं हम
डिसीव, और डिसीव में हमने लगा दिया आई एन जी, आई एम नॉट डिसीविंग यू, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूं, आई एम नॉट डिसीविंग यू, डन। अब मैं बोल दूं कि तुम हार नहीं मान रहे हो, तुम हार नहीं मान रहे हो, तुम हार नहीं मान रहे। मतलब मान लीजिए किसी से कंपटीशन हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो मैं बोलिया मैं हार नहीं मान रहा, तो तुम, मैंने बोल दिया कि तुम हार नहीं मान रहे हो, तो तुम यानी यू, यू के साथ फिर लगाया आर और इसके साथ लगाया नॉट, और हार मानने को कहते हैं हम गिव इन, तो गिव में लगा दिया हमने आई एन जी और ये हो गया हमारा फ्रेज वर्ड कंप्लीट। यू आर नॉट गिविंग, यू आर नॉट गिविंग इन, गिविंग इन, यू आर नॉट गिविंग इन, तुम हार नहीं मान रहे हो, तो हम बोलेंगे यू आर नॉट गिविंग इन, तुम हार नहीं मान रहे हो, क्योंकि गिव इन का मतलब क्या होता है, ये हमारा फ्रेज वर्ड है, गिव इन का मतलब होता है हार मानना, क्या होता है हार, हार मानना, तो हमारा सेंटेंस बन गया, तो यू आर नॉट गिविंग इन, तुम हार नहीं मान रहे हो, तो ऐसे हम सेंटेंस बना सकते हैं बहुत सारे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इंट्रोगेटिव रूल, कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इंट्रोगेटिव रूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसके क्या क्या रूल होते हैं। सो गाइस देखते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का नेगेटिव, ओ सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी रूल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी इंट्रोगेटिव रूल, आई एन टी ई डबल आर ओ जी ए, ये ए लिखा हुआ है, दैट इज ए टी आई वी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसका रूल होता है हमारा पहला डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच फैमिली, ये एफ लिखा हुआ है, डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच फैमिली, फिर उसके बाद आएगा यहाँ पे इज, फिर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ही, शी, ही शी, फिर उसके बाद यह हमारा सब्जेक्ट हो गया इट, या फिर किसी का नाम आ गया यहाँ पे, ठीक है, नेम हो गया हमारा। इसके बाद नेम के बाद अगर नॉट लगाना है आपको तो नॉट यहाँ लगाएंगे, मैं नॉट भी इसके साथ ही ले रहा हूँ कि इंट्रोगेटिव में अगर नॉट लगाना है तो हम क्या करेंगे, ही शी इट नेम, ये जो सब्जेक्ट है हमारा इस सब्जेक्ट के बाद नॉट लेंगे, फिर आएगा हमारा यहाँ पर स्पेस कम है तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वर्व की फर्स्ट फॉर्म शॉर्ट में लिख दिया मैंने, वर्व की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और देन हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। यानी आप बस ये याद रखिएगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, अफर्मेटिव हो या फिर वो नेगेटिव हो, सब में वर्व की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है, वर्व की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी ही लगानी है। तो पहला रूल ये हुआ हमारा। दूसरा रूल है हमारा डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड लिया, फिर आएगा यहाँ पे हमारा एम, एम के बाद आएगा हमारा आई सब्जेक्ट, क्योंकि आई के साथ हम एम लेते हैं, फिर अगर नॉट आना है तो एम के बाद नॉट लगाएंगे आप, फिर नॉट के बाद आएगा हमारा वही वी वन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वी वन मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में आप लगाएंगे हमारा आई एन जी और ये आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, हमारा हो गया रूल। फिर हमारा तीसरा रूल है यहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली, फिर इसके बाद आएगा हमारा आर, आर हमारा किस किस सब्जेक्ट के साथ लगता है, यानी यू के साथ, तो यहाँ पे यू आ सकता है, वी हो गया हमारा, फिर हमारा हो गया यहाँ पे दे हो गया, यू वी दे हो गया, इनके साथ हम आर लगाते हैं, फिर इसके साथ भी नॉट, अगर नॉट आएगा तो नॉट यहाँ लगाना है सब्जेक्ट के बाद, फिर आ गया हमारा वी वन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, ये आई एन जी लिखा है गाइस, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं इसको हम, तो ये हो गया हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, और फिर हमारा यहाँ पे आ गया ऑब्जेक्ट, यहाँ जगह कम थी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑब्जेक्ट,
ठीक है, तो ये हमारा रूल बन चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, डब्ल्यू चैनल का वर्ड इज ही शी इट नेम, यानी सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, नॉट आएगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर प्लस का साइन लगा के यहाँ पे लिया मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एनजी ऑब्जेक्ट, डब्ल्यू चैनल वर्ड एम, फिर आई, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई एनजी ऑब्जेक्ट, फिर डब्ल्यू चैनल का वर्ड, फिर आर, फिर यू वी दे, क्योंकि यू वी दे के साथ हम आर लेते हैं, फिर यू वी दे के बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी, फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का रूल है। मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में भी समझाया था, कि अगर वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो जाए, किससे हो जाए, क्या शब्द से, यानी वाक्य की शुरुआत जो है क्या शब्द से हो जाएगी, तो हम डू डस बनाते थे। तो सेम इसमें भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है, इसे आप लिख लीजिए, यदि वाक्य की शुरुआत, जो आप सेंटेंस बोलेंगे, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से ही शुरू हो, क्या शब्द से ही शुरू हो, तो उस वाक्य को हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। हेल्पिंग वर्ब का मतलब उस वाक्य की जो शुरुआत होगी, उस वाक्य की जो शुरुआत होगी वो यहाँ से होगी, इज से बनाएंगे आप, एम से बनाएंगे आप, और आर से बनाएंगे, यानी इज एम आर पहले लग जाएंगे। जैसे एक सेंटेंस देखिए आप, मैंने लिखा यहाँ पे, क्या तुम आ रही हो, क्या तुम आ रही हो, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए शुरू में क्या आ गया, शुरू में जब क्या आएगा गाइस, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू है, तो हम क्या करें, आर पहले ले लेंगे हम, यहाँ आर ले लिया, और फिर क्या आ गया यहाँ पे, यू, आर यू, देखो आर लिया, ये आर, फिर सब्जेक्ट यहाँ से मैंने यू ले लिया, नॉट लेंगे नहीं क्योंकि इसमें नॉट नहीं था, अब क्या लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, आने को क्या कहते हैं हम, कम, कम में क्या लगा देंगे हम, आईएनजी और क्वेश्चन मार्क, बन गया सेंटेंस, आर यू कमिंग, क्या आप आ रहे हो, ऐसे करके इसे आप नोट डाउन करते रहेगा प्लीज। अब देखते हैं हम अगला सेंटेंस, जब भी वाक्य के शुरू में क्या आएगा तो आप समझ लीजिए इज एम आर हेल्पिंग वर्ब से ही सेंटेंस बनाना है। सपोज कीजिए मैंने बना दिया यहाँ पे, क्या वह डर रही है आपसे, क्या वह डर रही है आपसे, क्या वह डर रही है आपसे, तो देखिए फिर सेंटेंस के शुरू में आ गया, क्या वह डर रही है, तो वह आ गया लड़की है, तो देखिए यहाँ पे शी एरा, तो इज लगाएंगे हम, क्योंकि जब भी सेंटेंस के शुरू में, सेंटेंस के यानी वाक्य के शुरू में अगर क्या आ गया, क्या जैसी आएगा तो समझ लेना उसकी शुरुआत आप इज एम आर से बनाएंगे, जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी हेल्पिंग वर्ब हम लेते रहेंगे। तो क्या वह डर रही है, तो इज लिया हमने, और वह के लिए क्या आ गया हमारा, शी, इज शी, और डरने की क्या होती है हमारी, फियर, और फियर में लगा दिया हमने आई एन जी, और फियर के साथ प्रीपोजिशन आती है हमारी ऑफ, फियर के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है, ऑफ ही लगाना है, कभी आप फ्रॉम टू मत लगाइएगा, ऑफ आएगा, तो इज शी, इज शी फियरिंग ऑफ यू, क्या वह आपसे डर रही है। तो आपने देखा कि जब सेंटेंस के शुरू में आ रहा है तो वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर रहे हैं हम। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, हम नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, चलिए तो फिर हम अगला एग्जाम्पल यहीं पे लेते हैं ताकि आपको रूल भी दिखता रहे, बनाते रहे। जैसे अब मैं बोल दूं कि क्या क्या तुम गाली दे रहे हो, क्या तुम गाली दे रहे हो, क्या तुम गाली, सॉरी गाइस ये सही से नहीं लिखा मैंने, दोबारा लिख देते हैं, क्या तुम गाली दे रहे हो, क्या तुम गाली दे रहे हो। देखो तुम आ गया तो आर पहले लेंगे क्योंकि यू के साथ क्या था, आर, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया आर, फिर मैंने लगाया यहाँ पे यू, और नॉट लेंगे नहीं क्योंकि इसमें नॉट नहीं था, और गाली देने को क्या कहते हैं हम, एब्यूज, तो एब्यूज में हमने लगा दिया आई एन जी, तो ये बन गया आर यू अब्यूजिंग, क्या आप गाली दे रहे हो, ऐसे करके इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। अब हम देखते हैं कि जब डब्ल्यू फैमिली का वर्ड बीच में आएगा तो क्या रूल लगेगा, चलिए फिर इस रूल को भी देखते हैं हम थोड़ा सा, मैं मिटा देता हूँ इसको गाइस, ओके नाउ सी, चलिए अब देखते हैं जब इसमें, जब वाक्य के बीच में, जब वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, आएगा, कब आएगा,
तो क्या करेंगे, ये जो क्या क्यों कब, ये इसे हम कहते हैं डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड। तो क्या करेंगे, इन शब्दों को हम सबसे पहले लगाएंगे, डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड पहले लगाएंगे, फिर ये पूरा रूल फॉलो करते चले जाएंगे, ठीक है ना गाइस। तो सपोज कीजिए मैं आपसे एक सेंटेंस बोल दूं कि तुम बुरा क्यों मान रही हो, तुम बुरा क्यों मान रही हो। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं कि यहां पर बुरा मानने को कहते हैं इंग्लिश में हम टेक इल। टेक इट इल का मतलब क्या होता है, बुरा मानना, बुरा मानना। टेक इट इल का मतलब बुरा मानना होता है। तो टेक में क्या करेंगे आप, आईएनजी इसमें लगाएंगे आप। तो चलिए आप सेंटेंस को देखते हैं हम। तो तुम बुरा क्यों मान रही, तुम बुरा क्यों मान रही हो। तो क्यों के लिए क्या लगाया हमने, वाई आ गया, वाई हमारे डब्ल्यू चैनल का वर्ड, वाई आ गया। ये रहा देखो, ये रहा डब्ल्यू चैनल का वर्ड। तो वाई बीच में है तो पहले मैंने वाई लगा दिया। फिर क्या चाहिए मुझे, आर चाहिए। देखो प्लस का साइन, डब्ल्यू चैनल का वर्ड लगाओ फिर आर लगाओ, फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया आर। आर के बाद सब्जेक्ट है यू वी दे, तो दे में सब, इनमें सब्जेक्ट कौन है, तुम। तो मैंने यहाँ से यू ले लिया, जो चाहिए वो लेते रहो उस रूल से, यू ले लिया। अब इसमें नोट लग रहा है, लेकिन यहाँ तो नोट नहीं है ना इस वाक्य में, क्योंकि तुम बुरा क्यों मान रही हो। तो नोट नहीं है तो नोट हम नहीं लेंगे। अब क्या लेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एनजी। तो जैसा मैंने आपको बताया अभी कि गाइस हम बुरा मानने को क्या कहते हैं, टेक इट इल। टेक इट इल का मतलब बुरा मानना। तो टेक में क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे। जब आप टेक में आईएनजी लगाओगे तो ई हट जाएगा, ई जो है हट जाएगा, ई हट जाएगा जब इसमें आप आईएनजी लगाएंगे। जब आप इसमें आईएनजी लगाएंगे तो ये बन जाएगा टेकिंग इट इल, टेकिंग इट इल बुरा मानना। तो अब आ जाते हैं हम अपने काम पर। तो हमारा सेंटेंस, यू वाई आर यू बुरा मानने को क्या कहते हैं, टेक। तो इसमें एनजी लगा दिया, मैंने पहले बता दिया टेकिंग इट इल। अब बन गया हमारा क्वेश्चन मार्क लगा दो इसमें। और स्पीकिंग में तो जानते हैं बोलते समय हम इनकी जरूरत नहीं होती कि क्वेश्चन मार्क वगैरह की, ये तो रिटन है इसलिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं हम आपको। क्वेश्चन मार्क तो बन गया, वाई आर यू टेक इट इल, वाई आर यू टेकिंग इट इल, तुम बुरा क्यों मान रहे हो। वाई आर यू टेकिंग इट इल, तुम बुरा क्यों मान रहे हो, ऐसे बोलेंगे हम। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं हम, ठीक है। अगला सेंटेंस है हमारा, अगला सेंटेंस लिख देते हैं हम यहां पे। मैंने बोला कि वह क्यों, सॉरी मैंने यहां पे लिखा वह क्यों खड़ी है यहां, वह क्यों खड़ी है यहां, यानी वह यहां पे, वह यहां पर क्यों खड़ी है, या मैंने लिख दिया कि वह क्यों खड़ी है यहां, वह क्यों खड़ी है यहां पे। तो वह यानी लड़की है और क्यों आ रहा है, तो क्यों के लिए आ गया हमारा डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड वाई, और वाई के साथ क्या आएगा, क्योंकि यहां पे लड़की सब्जेक्ट शी है, तो शी के साथ देखो क्या है यहां पे, डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड फिर इज आएगा। तो इज लगाया हमने और यहां से ले लिया मैंने शी, ये वाला रूल फॉलो कर रहे हैं हम क्योंकि शी सब्जेक्ट में है। फिर हम नॉट लेंगे नहीं क्योंकि इसमें नॉट नहीं आ रहा, तो क्या लेंगे हम, खड़ा होना। खड़ा होने की वर्ग की फर्स्ट फॉर्म क्या है, स्टैंड, और स्टैंड में लगा दिया हमने आईएनजी स्टैंडिंग, और यहां को हम इंग्लिश में कहते हैं हियर, बन गया हमारा सेंटेंस। तो व्हाई इज शी स्टैंडिंग हियर, वह यहां क्यों खड़ी है, वह यहां पर क्यों खड़ी है, ऐसे सेंटेंस हमने बना दिया। अगला सेंटेंस देखते हैं हम, आप प्लीज इनको नोट डाउन करते रहिएगा प्लीज। आप चाहे तो मेरी वीडियो पूरी डाउनलोड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, है ना। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं हम यहाँ पर। मैंने यहाँ पे सेंटेंस बनाया कि, जैसे एक सेंटेंस बना दिया मैंने कि, जैसे मैंने बना दिया यहाँ पे सेंटेंस, एक छोटा सा इसे इरेज कर देते हैं। जैसे मैंने बोला कि राहुल, राहुल क्यों भड़का, राहुल क्यों भड़का रहा है हमें। मैंने सेंटेंस क्या बोला, राहुल क्यों भड़का रहा है हमें, राहुल क्यों भड़का रहा है हमें, यानी हम लोगों को राहुल क्यों भड़का रहा है। तो क्यों को क्या बोलते हैं, वाई,
अब सब्जेक्ट में कौन है? राहुल, नेम, तो नेम आ रहा है तो डब्ल्यू एच एम डी का वर्ड, फिर इज ले लो, फिर नेम में क्या आ रहा है? राहुल, तो राहुल ले लिया मैंने यहां पे, राहुल हो गया हमारा। राहुल हो गया, तो वाई इज राहुल। अब भड़काने को क्या कहते हैं हम? सो गाइस, भड़काने को इंग्लिश में कहते हैं हम ई डबल जी ओ एन, एगोन। एगोन का मतलब होता है भड़काना, किसी को भड़काना, उकसाना, ठीक है, लड़ाई झगड़े के लिए उसे हम फ्रेज वर्ड में बोलते हैं एगोन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एग में आई एन जी लगाएंगे, एग में आई एन जी लगा देंगे और हमारा मीनिंग बन जाएगा, तो बन जाएगा कि वाई इज राहुल एगिंग ऑन अस, तो एग में आई एन जी लगाएंगे और वो हमारा भड़काना बढ़ जाएगा। तो अब हम इस सेंटेंस को पूरा बना देते हैं, चलिए। तो वाई इज राहुल, भड़काने का जैसा मैंने अभी बताया, एग ऑन होता है तो एग में लगा दिया आई एन जी और लगाया ऑन और हमें भड़का रहा है तो क्या आ गया? अस। तो वाई इज राहुल एग ऑन अस, तो एग ऑन का मतलब होता है भड़काना। तो वाई इज राहुल एगिंग ऑन अस, राहुल हमें क्यों भड़का रहा है? ऐसे सेंटेंस हमारा बन गया। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं हम थोड़ा सा, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कोई है, बंदा है, कोई दोस्त है आपका, और वो जो है कुछ बातें बोल रहा हो कि ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करो, आपको ऐसा करना चाहिए, जबकि आप सारी चीजें जानते हैं। तो आपने बोला तुम मुझे क्यों समझा रहे हो। तो मैंने यहां पे लिखा सेंटेंस कि तुम मुझे क्या समझा रहे हो। चलो मैंने ये लिख दिया, तुम मुझे क्या समझा रहे हो। तो क्या आ गया, क्या के लिए मैंने लगा दिया यहां पे व्हाट, और तुम आ रहा है तो तुम मुझे क्या समझा रहे हो, तो तुम क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो यहां पे यू देखिए किसमें, इस रूल में है, तो डब्ल्यू शैली का वर्ड व्हाट आया, फिर क्या लेंगे हम आर, व्हाट आर, फिर सब्जेक्ट में कौन ले लेंगे हम, यू ले लिया हमने, नॉट लेंगे नहीं क्योंकि इसमें नॉट नहीं आ रहा। और समझाने को क्या कहते हैं गाइस, बता देते हैं हम आपको, समझाने को इंग्लिश में कहते हैं हम मेक अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझाना, समझाना, और इसके बीच में उस बंदे का नाम आता है जिसको समझाते हैं, यहां ऑब्जेक्ट आ जाता है। जैसे मैं राहुल को समझा रहा हूं तो आई एम मेकिंग राहुल अंडरस्टैंड, ऐसे करें आई एम मेकिंग राहुल अंडरस्टैंड, मैं राहुल को समझा रहा हूं। तो अब देखते हैं सेंटेंस को बनाते हैं, तो ये हो जाएगा व्हाट आर यू मेकिंग मी, क्योंकि क्या है तुम मुझे क्या समझा रहे हो, तो मुझे यानी ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर मुझे के लिए हम मी लगा लेंगे। तो व्हाट आर यू मेकिंग मी अंडरस्टैंड, और ये हमारा सेंटेंस अब बन जाएगा अंडरस्टैंड। तो व्हाट आर यू मेकिंग मी अंडरस्टैंड, तो मुझे क्या समझा रहे हो, मैं सब कुछ जान दू, आई नो एवरीथिंग, ऐसे आप बना सकते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं, एक और सेंटेंस लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए एक और छोटा सा सेंटेंस लेते हैं गाइस, ठीक है। तो एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे छोटा सा सेंटेंस लेते हैं कि इसे इरेज कर देते हैं, सेंटेंस लेते हैं जैसे कि जैसे मैं बोल दूं यहां पे कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, तुम मुझे गलत, ये गलत लिखा है मैंने गाइस, इरेज कर देते हैं, तुम मुझे गलत समझ रही हो, तुम मुझे गलत क्यों समझ रही हो, सॉरी, क्योंकि हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव का रूल लगाएंगे इसमें, तुम मुझे गलत क्यों समझ रही हो,
तुम मुझे गलत क्यों समझ रही हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया यहाँ पे, तुम मुझे गलत क्यों समझ रही हो, और ये बना दिया मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तुम मुझे गलत क्यों समझ रही हो, जैसे आप किसी कुछ काम कर रहे हैं किसी के लिए तो कोई आपको गलत समझ रहा, तो मैंने कहा तुम मुझे गलत क्यों समझ रही हो, तुम मुझे गलत क्यों समझ रही हो, तो क्यों के लिए क्या आया, वाई, और वाई के साथ फिर आ जाएगा आर, देखो डब्ल्यू चैनल का वर्ड, फिर आर आएगा क्योंकि सब्जेक्ट कौन है, यू, तुम मुझे गलत क्यों समझ रही हो, तो तुम काम कर रहा है समझने का, तो वाई आर यू, और गलत समझने को क्या कहते हैं इंग्लिश में बता देते हैं हम, तो गलत समझने को कहते हैं हम यहाँ पे कई फ्रेज वर्ड से बना सकते हैं, टेक से बना सकते हैं हम, कि वाई आर यू टेकिंग मी टू बी रॉन्ग, आप ऐसे बना सकते हैं, और आप ऐसे बना सकते हैं कि वाई आर यू कंसिडरिंग मी टू बी रॉन्ग, तो यहाँ पे मैंने चलो कंसिडर का यूज कर लेते हैं हम, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया कंसिडर मतलब समझना, और जिसको समझते हैं उसका यहाँ पे नाम लगा दो, और फिर क्या कर दो यहाँ पे टू और बी, और जो चीज समझी जाती है गलत सही उसका यहाँ पे नाम लिख देना है। मैं आपको ये अपनी अलग सी वीडियो में पढ़ाऊंगा, आपको कंसीडर का यूज वहां पढ़ाऊंगा, जैसे कि यार मैं तो तुम्हें अच्छा समझ रहा था और तुम तो हरामी निकले, आई वॉज कंसीडरिंग यू टू बी इनसेंट बट यू हैव टर्न आउट मीन, तुम हरामी निकले, जैसे मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ, आई कंसिडर यू टू बी माई फ्रेंड, ठीक है, जैसे मैं तुम्हें भगवान मानता हूँ, आई कंसिडर यू टू बी गॉड, तो इस तरीके से सेंटेंस कैसे बनाते हैं मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में सब सिखाऊंगा गाइस, बस थोड़ा सा आप जस्ट होल्ड योर हॉर्स, थोड़ा धैर्य रखें आप लोग, मैं धीरे 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 चीज़ें अभी बेसिक चीज़ें करा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बहुत स्लो मोशन में पढ़ा रहा हूँ, इजली वे में पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको टेंस समझ में आए, फिर मैं आपको मोडास, प्रीपोजिशन, फिर एडवांस लेवल, अच्छे अच्छे वर्ड, फिर देखना यही इंग्लिश, जस्ट ये इंग्लिश, यही इंग्लिश लैंग्वेज, वन डे इट विल डांस अटेंड डांस ऑन योर फिंगर टिप्स, उंगलियों पे ऐसे नाचेगी नाचेगी, एंड यू विल बी अ फ्लुएंट स्पीकर, यू विल बी फ्लुएंट स्पीकर इन योर लाइफ, जस्ट कीप वॉचिंग माई वीडियो ऑनली, आप मेरी वीडियो देखते रहें, तो ये हो गया हमारा कंसिडर का मतलब क्या होता है, समझना, समझना मानना ऐसे हो जाता है। तो चलिए हम अपना सेंटेंस बनाते हैं, तुम मुझे गलत क्यों समझ रही थे, वाई आर यू कंसीडर में आईएनजी लगा दिया मैंने, वाई आर यू कंसीडरिंग मी, वाई आर यू कंसीडरिंग मी टू बी, तो गलत है यहां पे, तो गलत के लिए क्या टू बी रॉन्ग, यहां पे लगा देंगे हम टू बी रॉन्ग, आगे ना तो बन जाएगा वाई आर यू कंसीडरिंग मी टू बी रॉन्ग, तुम मुझे गलत क्यों समझ रही हो, तो इस तरीके से हम सेंटेंस बनाते हैं। चलिए फिर एक दो एग्जांपल और भी देखते हैं, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा आप लोगों को अच्छे से, है ना गाइस। चलिए ठीक है एग्जांपल शुरू करते हैं, मैं यहाँ पे ये लिख दूँ, यहाँ पे आईएनजी के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट था जो बाय मिस्टेक मिट गया, ठीक है। चलिए फिर एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे मान लाइक फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको बोलना है किसी से ऐसे करके, एक सेंटेंस देख लेते हैं हम, जैसे मैं बोल दूँ कि जैसे कि वह तुम्हें मुझसे लड़वा रही है, वह तुम्हें मुझसे लड़वा रही है, बोल देते ना यार कि जैसे, सॉरी इसे थोड़ा इंट्रोगेटिव बना देते हैं कि वह तुम्हें मुझसे क्यों लड़वा रही है, वह तुम्हें मुझसे मुझसे क्यों, हाँ जी लड़वा, एक सेकेंड, लड़वा बन गया ना सेंटेंस हमारा, वह तुम्हें मुझसे क्यों लड़वा रही है, वह तुम्हें मुझसे क्यों लड़वा रही है, तो क्यों आ गया हमारा डब्ल्यूएच का वर्ड, फिर वाई लगाइए आप, अब वह तुम्हें मुझसे क्यों लड़ा रही है, वह सब्जेक्ट है तो वाई लिया हमने यहां से, फिर क्या लेंगे हम इज, फिर सब्जेक्ट में कौन है शी, ठीक है। और लड़वाने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, मैं आपको बता दूं कि
कि जब कोई किसी को लड़वाता है तो उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं। ये तो मैंने सारी आपको वर्ड मीनिंग बता दी है इसलिए डिलीट कर दिया मैंने इसको। लड़वाने को कहते हैं जैसे कि जब कोई किसी को लड़वाता है तो सेट ए अगेंस्ट बी। बी और ए का मतलब क्या है, जैसे कि मैं बोलूंगी सुरेश को राम से लड़वाओ, सुरेश को राम से लड़वाओ। चलिए ये हो गया हमारा सुरेश को राम से लड़वाओ। आई थिंक मैंने सही लिखा है। तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई सेट सुरेश अगेंस्ट राम, बन गया ना। तो यहाँ पे जिस बंदे को, जिस व्यक्ति को और जिस व्यक्ति से लड़वाना है उसे यहाँ पे लगा दो बस, सेट सुरेश अगेंस्ट राम, यानी सुरेश को रमेश के अगेंस्ट सेट कर दो, खड़ा कर दो, भिड़वा दो उनको, लड़वा दो। तो ये हमारा वर्ड है लड़वाना, भिड़वाना। तो अब हम बनाते हैं, हम अपने काम पे आते हैं। तो मैंने बोला कि वह तुम्हें मुझसे क्यों लड़वा रही है, तो वाई इज शी, ये हो गया हमारा सेटिंग यू अगेंस्ट मी। वाई इज शी सेटिंग यू अगेंस्ट मी, वह तुम्हें मुझसे क्यों भिड़वा रही है, क्यों लड़वा रही है। सेंटेंस हमारा बन गया जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है, देखा आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी इसका हम अब ये पार्ट सीख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी जिसे कहते हैं हम पर्सन वाचक। तो पर्सन वाचक क्या होता है इसके बारे में समझना है। पर्सन वाचक का मतलब जिसके, जिन वाक्यों में, यानी कर्ता, यानी जो सब्जेक्ट है हमारा, जो डूअर है, जो करता है, जब वो किसी काम को करता है तो उसके अंदर एक पर्सन होता है, यानी कि उसके अंदर जैसे क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे, कौन, इस तरीके के मतलब वाक्य आते हैं, शब्द आते हैं। तो मैं आपको यहां पे एक चीज बताना चाहता हूं जो बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है आपके लिए बच्चों। तो आप यहां पे एक लाइन लिख लीजिए प्लीज, कि यदि किसी भी वाक्य की शुरुआत, यदि किसी भी वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है, किससे होती है बेटा, क्या शब्द से होती है, यदि किसी वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो रही है, तो हम उस वाक्य को इज एम आर से बनाएंगे। उस वाक्य को हम इज एम आर से बनाएंगे कैसे, अगर मान लीजिए सब्जेक्ट उसमें ही शी नेम इट देता है तो वो वाक्य इज से बनेगा, अगर उसमें सब्जेक्ट आई आ रहा है तो वो वाक्य एम से बनेगा, यदि उस वाक्य के अंदर अगर यू वी दे देता है, क्या देता है बेटा, यू वी दे देता है, तो उस वाक्य को हम आर से बनाएंगे। तो यानी मेरे कहने का मतलब है कि यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। देखिए एग्जांपल से, देखिए कैसे, मान लीजिए सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा, क्या वह आ रही है, क्या वह आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि वाक्य के शुरू में क्या आ रहा है, वाक्य के शुरू में क्या आ रहा है, तो आप इसको देखिए, जब वाक्य के शुरू में क्या आएगा, क्या वह आ रही है, लड़की है वह आ रही है, तो जब वाक्य के शुरू में क्या आएगा, तो पहले इज ले लेंगे आप, इज वह आ रहा है, तो यहां पे शी ले लिया हमने, है ना, इज शी, और नॉट लेंगे नहीं क्योंकि इसके अंदर नॉट है नहीं, तो आने को क्या कहते हैं हम, कम, और कम में क्या लगा देंगे बेटा हम आई एन जी, और ये बन गया हमारा सेंटेंस, क्या वह आ रही है, तो ये बन जाएगा इज शी कमिंग, क्या वह आ रही है। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, यदि वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है तो उन वाक्यों को आप हेल्पिंग वर्ब से बनाइएगा। जैसे देखिए, क्या वह आ रही है, तो यहां पे देखिए वाक्य में शुरू में क्या आ रहा है, क्या आ गया वाक्य के शुरू में, क्या आया, तो इसको हमने इज से बनाया, तो पहले आया इज, फिर सब्जेक्ट शी लिया, और आने की क्या होगी कमिंग, कमिंग हमने आईएनजी लगा दिया, तो इज शी कमिंग, क्या वह आ रही है। मैं इसको रेज कर रहा हूं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं फिर समझते हैं।
अब देख लीजिए, अब मैं यहां पे बोल दूं, क्या क्या सोनू, क्या सोनू झूठ बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। और ये क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया, क्या सोनू झूठ बोल रहा है? तो देखिए शुरू में क्या आ रहा है यहाँ पे, है ना, शुरू में क्या आ रहा है? तो जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द आएगा, जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द आएगा, तो आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे। देखिए क्या सोनू झूठ बोल रहा है, तो यहाँ पे देखिए सोनू नाम आ रहा है, तो नाम इसके अंदर है। देखो तो पहले क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि हम ही शी नेम इट, यानी सोनू मोनू ऐसे निर्जीव चीजों के लिए जो इट लगाते हैं, इनके लिए हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो शुरू में क्या आ रहा है, तो पहले इज से बनेगा सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे सोनू होते, इज सोनू। और झूठ बोलने को बोलते हैं हम टेल में लगा देंगे हम आईएनजी, टेलिंग अ लाई, और ये क्वेश्चन मार्क। तो इज सोनू टेलिंग अ लाई, क्या सोनू झूठ बोल रहा है? तो वाक्य के शुरू में क्या आया, तो पहले इज लिया, क्योंकि सब्जेक्ट में सोनू था, सोनू ले लिया। नॉट लिया नहीं, क्योंकि यहाँ पे नॉट था नहीं। फिर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ले ली, टेलिंग अ लाई, झूठ बोलना। तो क्या सोनू झूठ बोल रहा है? तो वाक्य बनेगा हमारा इज सोनू टेलिंग अ लाई, ऐसे करके बच्चों। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो जब भी वाक्य के शुरू में क्या आएगा, तो उन वाक्यों को आप हेल्पिंग वर्ब से बनाइएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, आप मान लीजिए ऐसे देता, क्या वह आ नहीं रहा है, ये क्वेश्चन मार्क मैंने अभी बनाया, क्या वह आ नहीं रहा है? मान लीजिए आपने किसी को बुलाया था, कोई फ्रेंड था आपका, दोस्त है ना, सोनू मोनू टिंकू, तो आपने उससे किसी से बोला कि अरे किसी ने बताया कि यार सोनू नहीं आ रहा भाई, तो आपने बोला क्या वह आ नहीं रहा है, क्या वह आ नहीं रहा है? तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर शुरू में क्या है, तो इज लगाइए आप, यहाँ पे इज आ गया, और वह के लिए हमने यहाँ पे लिया ही, नॉट आ रहा है तो देखो ही के बाद क्या लेंगे, नॉट, क्योंकि लड़का है रहा आ रहा है, नॉट लगा दिया हमने। तो देखिए इज इज क्या के लिए, इज आया, वह के लिए ही आया, नॉट था तो नॉट लिया, और आने की क्या होती है, कम, और कम में लगा दिया हमने आईएनजी, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क, बन गया सेंटेंस। क्या वह आ नहीं रहा है, तो इज ही नॉट कमिंग, इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। अब मान लीजिए ऐसे ही वाक्यों में क्वेश्चन मार्क आ जाता है, यानी क्वेश्चन वाले, यानी क्या क्यों कहां ये वाक्य में आ जाए, तो क्या करना है, जैसे आप दूध के अंदर मलाई, दूध के अंदर मक्खी गिर जाती है, तो क्या करते हैं आप, जब दूध में आपका दूध का ग्लास है और उसमें मान लीजिए कोई मक्खी गिर जाए, तो क्या करते हैं, क्या उसे आप खा लेते हैं? नहीं खाते ना, आप उसको यूं उठाते हैं, निकालते हैं और फेंक देते हैं, या फिर आप दूध ही फेंक देते हैं। तो जिस प्रकार से हम दूध में से मक्खी निकाल के ऐसे फेंक देते हैं, सेम एज इट इज, ऐसा ही बच्चों हमें जब डब्ल्यू एच एम डी का वर्ड आएगा उसे उठा के वाक्य के बिल्कुल शुरू में पटक दो, फिर ये रूल लगाना शुरू कर दो। जैसे देखो एग्जाम्पल, इसको मैं मिटाता हूं और फिर समझाता हूं। अब मैंने लिख दिया यही सेंटेंस, वह क्यों नहीं आ रहा है, क्वेश्चन मार्क। अब मैंने बोला वह क्यों नहीं आ रहा है, वह क्यों नहीं आ रहा है, तो देखिए यहां पे पीछे क्यों को क्या कहते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड बोलते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली बोलते हैं हम वर्ड, तो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड को पहले लगा दीजिए। ये देखिए डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड पहले आएगा, जब वाक्य के शुरू में, जब वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में क्या क्यों कैसे कहां आएगा, तो वो क्या यानी व्हाट हाउ कैसे, ये वाले शब्दों का वाक्य के बिल्कुल शुरू में ही रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वाई को पहले लगा दिया हमने, यहाँ पे डोली छाली का वाई आ गया, डन। फिर हम यहाँ पे क्या लेंगे बेटा, इज लेंगे, इज आ गया। फिर इसके बाद कौन है, इसके बाद कौन है, सब्जेक्ट वाला, यानी वह है, लड़का है, आ रहा है, तो हमने ले लिया यहां से ही, हमारा ही आ गया। अब नहीं आ रहा है तो देखो ही शी नेम के बाद क्या है, नॉट है, तो आपने भी यहाँ पे नॉट लगा लेना है, तो ये ऐसे बन गया वाई इज ही नॉट, और आने की क्या हो जाएगी, कमिंग, और हमने यहाँ पे लगा दिया आई एन जी।
और ये हमारा सेंटेंस अब बन चुका है। तो मैंने बोला कि वह क्यों नहीं आ रहा है, तो व्हाई इज ही नॉट कमिंग, वह क्यों नहीं आ रहा है, व्हाई इज ही नॉट कमिंग। मैं आपको बता दूं, कई बार कुछ वाक्यों में ऐसा भी होता है कि जो नॉट की पोजीशन सब्जेक्ट के बाद है, वैसे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट होना चाहिए, कई बार हम अपनी बातचीत में, बोलचाल में, हम नॉट को यहाँ तुरंत डब्ल्यू शैल का वर्ड और इस हेल्पिंग वर्ड के बाद भी लगा सकते हैं। ये सेंटेंस ऐसे ही बन सकता है, व्हाई इजंट ही कमिंग, तो ये जो इज नॉट है उसको इजंट बोला जाता है, तो हम ऐसे बोलते हैं व्हाई इजंट ही कमिंग। और मैं आपको बता दूं कि इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट को हम एंट भी बोलते हैं, एक शॉर्ट प्रोनंसिएशन में हम उसको एंट भी बोलते हैं। तो हम ऐसे भी कह सकते थे यहाँ पे कि व्हाई एंट ही कमिंग, वह क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन फिलहाल एक शुद्ध अच्छी व्याकरण, एक अच्छी प्योर इंग्लिश के लिए आप ये ही रूल का फॉलो करें जो मैं बता रहा हूं। तो वह क्यों नहीं आ रहा है, तो why, क्यों, डोली शैली का वर्ड आया ये, फिर इज सब्जेक्ट में, इसमें से जो सब्जेक्ट चाहिए था ले लिया, लड़का है तो ही ले लिया, नहीं था नॉट लगा दिया, और कमिंग, तो व्हाई इज ही नॉट कमिंग, वह क्यों नहीं आ रहा है। ये डायग्राम फॉलो कीजिएगा, ये जो मैंने रूल्स बनाए, स्ट्रक्चर्स बनाए, इनको फॉलो कीजिए, कभी गलत नहीं होगा। आई होप कुछ समझ आ रहा होगा। अब हम लेते हैं आई वाले सेंटेंस से रिलेटेड एग्जाम्पल। इससे अब मान लीजिए आ जाए, मैं बोलूँ कि क्या मैं आपका मजाक उड़ा रहा हूं, मजाक उड़ा रहा हूं, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। अब सेंटेंस है, क्या मैं आपका मजाक उड़ा रहा हूं, जैसे मान लीजिए मैं किसी के बारे में कुछ कहने लगा, तो सामने वाले ने बोला उड़ा ले बेटा, उड़ा ले मजाक, उड़ा ले, तो मैंने कहा क्या मैं आपका मजाक उड़ा रहा हूं, इस तरीके से। तो क्या मैं आपका मजाक उड़ा रहा हूं, तो शुरू में फिर क्या आ गया, तो क्या लेंगे पहले एम, क्योंकि इसमें कौन है, क्या मैं आपका मजाक उड़ा, तो कर्ता कौन है इसमें, आई है, तो आई के साथ एम आता है, और वाक्य के शुरू में क्या आया है, तो एम आएगा पहले, एम फिर आई, नॉट लेंगे नहीं क्योंकि इसमें नॉट नहीं था वाक्य में, तो नॉट छोड़ दिया। अब क्या चाहिए, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, तो मजाक उड़ाने को कहते हैं मेक फन ऑफ, क्या बोलते हैं, मेक फन ऑफ, तो मेक में लगा देंगे हम आई एन जी, तो ये बन गया मेकिंग फन ऑफ यू, और यू हमारा ऑब्जेक्ट, ये पूरा वर्ड है, मेक फन ऑफ एक पूरा वर्ड है, मेक फन ऑफ का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, किसी से मजे लेना। तो ये सेंटेंस बना, एम आई मेकिंग फन ऑफ यू, यानी यू आप ऑब्जेक्ट, यानी ये जो आपका ऑब्जेक्ट, मैंने यू ले लिया यहां पे, और ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने आपके लिए, बन गया सेंटेंस, क्या मैं आपका मजाक उड़ा रहा हूं, एम आई मेकिंग फन ऑफ यू, एम आई मेकिंग फन ऑफ यू, क्या मैं आपका मजाक उड़ा रहा हूं, इस तरीके से। और देखते हैं एग्जाम्पल्स, फिर हम समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। अब ये सेंटेंस ऐसे हो जाता, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन मार्क। मान लीजिए मैंने किसी को कोई बात, आप या आप हैं या मैं, मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो आप किसी को कोई चीज बता रहे थे, ऐसा हुआ वहां पे, ऐसा हुआ, उसने ऐसा कहा, तो उसने बोला कि अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये चीज गलत है, ये गलत है, तो आपने थोड़ा आप क्रोधित होकर आपने बोला, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं, है क्या मैं झूठ बोल रहा हूं, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं, ये लाइक दिस, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं, तो पहले क्या आया, तो क्या के लिए आपने क्या लगाया, एम। मैंने बताया आपको कि जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द आएगा, तो उस वाक्य को आप हेल्पिंग वर्ड से बनाइएगा, इज एम आर से ही बनाना है। तो देखिए यहां पे आई सब्जेक्ट, इसलिए एम ले रहा हूं, तो यहां पे एम आया, ये रहा एम आ गया, और यहां पर आ गया आई, और आई के लिए मैंने ये लगा दिया आई, और नॉट लिया नहीं क्योंकि इसमें नॉट था ही नहीं बच्चों, तो मैंने यहां पे ले लिया झूठ बोलने को कहते हैं टेल, और टेल में लगा दिया हमने आई एन जी, टेलिंग अ लाई, और ये बन गया हमारा क्वेश्चन मार्क, बन गया हमारा सेंटेंस, क्या मैं झूठ बोल रहा हूं, तो बना एम आई टेलिंग अ लाई, एम आई टेलिंग अ लाई, इस तरीके से आपने बनाया। अब मान लीजिए कि इसमें, मान लीजिए वाक्य में क्या क्यों कैसे आ जाए, तो कैसे लगाएंगे, जैसे मैं बोल दूं कि मैं कहां जा रहा हूं, मैं कहां जा
रहा हूं, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहां पे बीच में ये देखिए आ गया, मैं कहां जा रहा हूं, कहां हमारा डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड होता है, कहां हमारा डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड होता है। चलिए अगर आपको डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड नहीं भी पता है तो मैं बता देता हूं थोड़े से। चलिए वैसे मैंने आपको ये वीडियो बना रखी है। तो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड होता है क्या बेटा, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, और ये हमारा वर्ड है वर्ड वर्ड। जैसे हमारा हो गया व्हाट, व्हाट मतलब क्या, हाउ, हाउ मतलब कैसा, कैसी, कैसी हो गया, और ये इसका ये हो जाता है कैसे, है ना, कैसे कैसे, हाउ मतलब कैसा, कैसी, कैसे। जैसे कि डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड में ये भी आता है वेयर, वेयर मतलब कहां, और इसका मतलब होता है जहां, कहां और जहां। और फिर आता है हमारा हु, हु मतलब कौन, कौन, किसे, फिर मैंने बनाया किसने, जो भी होता है इसका मतलब क्या होता है, जो भी होता है इसका मतलब जो, एक सेकेंड, इसका मतलब क्या होता है, जो भी होता है, कौन, किसे, किसने, जो, जिसे, इसे जिसे भी कहते हैं, जिसने भी कहते हैं बेटा, जिसने, है ना, जिसने। और बन गया हमारा, मान लीजिए डब्ल्यू एच फैमिली वाई यानी क्यों, इसका मतलब क्या होता है, क्यों होता है, क्यों, किस लिए, ऐसे होते हैं हमारे डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड, है ना, व्हाट, हाउ, वेयर। और ये हो गया हमारा डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड, यानी व्हेन मतलब कब, और इसे हम क्या कहते हैं, जब, है ना। जैसे विच हो गया हमारा, ऐसे विच कौन सा, कौन सी, कौन से, आप सभी को पता होगा कौन सा, कौन सी, और हो गया हमारा कौन से, कौन से। तो इन्हें हम डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड बोलते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली देखिए, ये देखिए डब्ल्यू से शुरू हो रहा है, डब्ल्यू एच डब्ल्यू 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 से शुरू हो रहा है, इन्हीं को हम डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड बोलते हैं। तो जब ये वाक्य के बीच में आएंगे, जब ये वाक्य के बीच में आता है तो इनको उठा के पहले लगा दीजिए, है ना। चलिए हम आते हैं अपने काम पर। ये देखिए मैं कहां जा रहा हूं, बीच में आ गया ना कहां, वेयर, तो इसके लिए आप लगा दीजिएगा यहां पे वेयर। ये देखिए डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड वेयर आ गया, फिर क्या है एम, फिर क्या है आई सब्जेक्ट, आई ले लिया, नॉट लिया नहीं क्योंकि इसमें नॉट था नहीं, तो जाने की क्या कहते हैं हम, जाने को हम कहते हैं गो, गो में लगा दिया हमने आई एन जी, तो वेयर एम आई गोइंग, मैं कहां जा रहा हूं, कहते हैं एक आई के साथ नकारात्मक वाक्य यानी नेगेटिव वाक्य। चलिए देखते हैं, मैंने लिखा यहां पर मैं क्यों नहीं जा रहा हूं। मैंने क्वेश्चन मार्क बना दिया, मैंने कहा मैं क्यों नहीं जा रहा हूं। सपोज कीजिए आपसे किसी ने पूछा कि भाई आप क्यों नहीं जा रहे हो, तो आपने बोला मैं क्यों नहीं जा रहा हूं, तुम जानती हो, मैं क्यों नहीं जा रहा हूं, तुम जाना चाहती हो, व्हाई एम आई नॉट गोइंग, डू यू वांट टू नो, ऐसे मैं क्यों नहीं जा रहा हूं, तुम जानती हो। या आपने बोल दिया मैं क्यों नहीं जा रहा, तुम्हें पता है इसकी क्या वजह है, ओके मैं क्यों नहीं जा रहा हूं, व्हाई एम आई नॉट गोइंग, डू यू नो द रीजन, डू यू नो द ट्रिगर, इस तरीके से। तो यहां पे बना मैंने मैं क्यों नहीं जा रहा हूं, तो क्यों को क्या कहते हैं इंग्लिश में, व्हाई, तो डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड व्हाई लगाया हमने यहां पे, फिर लिया एम, फिर सब्जेक्ट में आई लगाया मैंने यहां से, फिर क्या है नॉट, तो नॉट यहां लगा दिया मैंने, नॉट आया तो मैंने नॉट भी लगा दिया यहां पे, और जाने को क्या कहते हैं बच्चों, गोइंग, और ये बना दिया मैंने क्वेश्चन मार्क, बन गया व्हाई एम आई नॉट गोइंग, मैं क्यों नहीं जा रहा हूं, इस तरीके से आप इसको बना देंगे। अब हम लेते हैं यूवी दे के साथ का इंट्रोगेटिव वाक्य। आई होप समझ में आपको आ रहा होगा कि आखिर इंट्रोगेटिव में हम इज एम आर कब लगाते हैं और डब्ल्यू शैली का वर्ड कब लगाते हैं। अब देखें यहां से, अब वाक्य के बीच में हम मान लीजिए क्या शब्द शुरू में क्या जाता है, मान लीजिए शुरू में क्या शब्द आता है तो क्या करेंगे। अब जैसे मैं बोलूं कि क्या क्या तुम
जैसे बोलो क्या तुम हंस रही हो, चलिए मैंने इसे बना दिया, चलो क्या तुम सो रही हो, क्या तुम सो रही हो, रही हो, ये लीजिए आप और ये बन गया मेरा क्वेश्चन मार्क। मैंने बोला क्या तुम सो रही हो, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल आप घर में गए, सपोज के मैं हूँ, मैं अपने घर में आया और मान लीजिए मेरी बुआ जी हैं और मतलब बिस्तर पे हैं, तो मैं आया और मैंने बोला क्या तुम सो रही हो, ऐसे गिर गया, जग रही हो, तो ऐसे जब आपको बोला क्या तुम सो रही हो तो क्या आया बीच में, जब शुरू में क्या आएगा तो यहां से आर लेंगे, क्यों अब तुम आ रहे हैं, तो यू वी दे के साथ क्या आता है आर, तो मैंने यहां पे ले लिया आर, सब्जेक्ट यहां से यू लिया क्योंकि यू चाहिए था हमें, यू लिया, अब वी दे तो लेंगे नहीं, नॉट लेंगे नहीं क्योंकि इसमें नहीं नहीं आ रहा, अब हम लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, स्लीप में लगा दिया हमने आई एन जी स्लीपिंग और ये क्वेश्चन मार्क, तो आर यू स्लीपिंग, क्या आप सो रहे ऐसे, या मान लीजिए आप किसी ऑफिस में गए और मान लीजिए सपोज कीजिए मैं अपनी बताता हूँ, कई बार मैं ऑटो में जब मैं कई बार क्या मैं रेगुलरली ही गाइस मैं ऑटो में आता जाता हूँ मुखर्जी नगर पढ़ाने के लिए जाता हूँ, तो कई बार क्या होता है कि ऑटो में मैं कई बार बहुत टायर्ड हो जाता हूँ, थक चुका होता हूँ पढ़ा के, तो जब मैं अपने घर वापस आ रहा होता हूँ तो आगे बैठा होता हूँ ड्राइवर के पास ऐसे ही हैंडल लेके और चल रहा होता है, तो कई बार झपकी लग जाती है ओके, तो ऐसे करके तो मेरे से वो ड्राइवर पूछता है ऑटो वाला क्या आप सो रहे हो, तो आप या इस तरीके से तो आर यू स्लीपिंग, इस तरीके से आप भी यूज कर सकते हैं, तो ऐसे यूज कर सकते हैं आर यू स्लीपिंग क्या आप सो रहे हैं। एक और एक एग्जांपल लेते हैं इस सब्जेक्ट का, अब मैं बोल दूं कि क्या हम आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, क्या हम आपकी मदद नहीं कर रहे, नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। अब मैंने यहाँ पे सेंटेंस बनाया इस तरीके से, क्या हम आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए हम लोग, मान लो मैं मेरे साथ और बहुत बड़ी टीम है और मान लो कोई गरीब आदमी है या कोई व्यक्ति है, तो वो आए कि नहीं तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो हमारे लिए कुछ नहीं, तो मैं बोलूँ कि क्या हम आपकी मदद नहीं कर रहे, क्या हम आपकी मदद नहीं कर रहे, तो आपने यहाँ पे देखा कि क्या आ रहा है बीच में, तो शुरू में क्या आ रहा है, जब शुरू में क्या आएगा तो हम क्या करेंगे आर लगाएंगे हम यहाँ पे बच्चों, आर लगा दिया हमने और फिर सब्जेक्ट में कौन है हमारा, क्या हम आपकी मदद नहीं कर रहे, तो यहाँ पे कौन आ रहा है हम, हमको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे वी लगा देंगे और क्या के लिए आर आ गया और सब्जेक्ट में वी आ गया, तो आर वी और नॉट लेंगे क्योंकि नहीं भी आ रहा है, तो ये देखिए आर लिया पहले फिर बी सब्जेक्ट लिया फिर नॉट लेंगे हम यहाँ पे, नॉट ले लिया और मदद करने को हम क्या कहते हैं हम हेल्प कहते हैं और हेल्प में लगा देंगे हम आई एन जी और किसकी मदद कर रहे हैं आपकी, आप हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट और ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क, तो हमारा सेंटेंस बन चुका है इस समय, क्या हम आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे आर वी नॉट हेल्पिंग यू, क्या बोलेंगे हम आर वी नॉट हेल्पिंग यू, इस तरीके से हम बनाएंगे। तो जब भी वाक्य के शुरू में बच्चों क्या आएगा तो आप याद रखिएगा हम उस वाक्य को हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। चलिए एग्जांपल अब ये ले लेते हैं, मैं बोलू कि क्या वह गाली नहीं दे रहे हैं, क्या वह गाली नहीं दे रहे हैं, मैंने इसको एस किया और ये मैंने लिख दिया दे रहे हैं और ये बना दिया मैंने क्वेश्चन मार्क। तो मैंने यहाँ पे बनाया क्या वे गाली नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए शुरू में क्या आ रहा है अद्वे आ रहा है, पहले आर लीजिए आप यहाँ से फिर क्या लेंगे सब्जेक्ट में दे यानी वे आ रहा है, तो यहाँ पे हमने ले लिया दे, वे के लिए दे आया आर दे, नहीं आ रहा है तो हमने यहाँ पे नॉट ले लिया और गाली देने को हम बेटा कहते हैं अब्यूज में हमने लगा दिया आई एन जी। मैं एक चीज और बता दूं कि ये जो स्पेलिंग होती है वो अब्यूज होती है ना, अब्यूज होती है, लेकिन जब हम आई एन जी लगाते हैं तो ई हट जाता है बेटा, ई क्या होता है जब हम आई एन जी लगाते हैं तो ई हट जाता है ना, तो फिर ये बन जाएगा हमारा अब्यूजिंग, डन, तो ये बन जाएगा हमारा अब्यूजिंग और क्वेश्चन मार्क। तो क्या वे गाली नहीं दे रहे हैं, तो आर दे नॉट अब्यूजिंग, तो दे मतलब वे होता है, तो पहले आर आया क्या के लिए आर लगाया,
फिर यू वी दे इनमें से दे लिया क्योंकि दे सब्जेक्ट था यानी वे दे आया। इसमें नहीं भी आ रहा था तो देखो दे के बाद मैंने नॉट लिया, अभी उसे हमने आईएनजी लगा दी, ऑब्जेक्ट हमारे पास था ही नहीं वाक्य में तो नहीं लिया हमने। तो आर दे नॉट अब्यूजिंग, क्या वे गाली नहीं दे रहे हैं, इस तरीके से हमने वाक्य को बनाया। अब मान लीजिए कि वाक्यों में, इन वाक्यों में आप क्या क्यों कैसे बीच में आए, तो क्या करना है, पहले डब्ल्यूएचओ लिखा वर्ड लेंगे आप, फिर आर, फिर ऐसे करके बनाइए जैसा आपको मैंने ऊपर समझाया था, है ना। बेटा वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है मेरी, बट बच्चों आपको समझ में सारे कॉन्सेप्ट आएंगे। अब मैं बोल दूं कि तुम क्यों पछता रहे हो, ऐसे। अब क्यों हमारा डब्ल्यू चिन्ह का वर्ड है, तो इसके लिए हमने लगाया वाई, फिर क्या लेंगे हम आर, फिर पूरा रूल लीजिए डब्ल्यू चिन्ह का वर्ड वाई वाई आर आर, फिर सब्जेक्ट में कौन है यू, तो यू ले लिया हमने, जो चाहिए ले लो, यू सब्जेक्ट था यू ले लिया, नॉट लिया नहीं क्योंकि नॉट इसमें है ही नहीं। पछताना पछताना, तुम क्यों पछता रहे हो, तो पछता को क्या बोलते हैं हम, रिपेंट, क्या बोलते हैं पछताने को, रिपेंट कहते हैं। और रिपेंट में लगा देंगे अब हम आईएनजी क्योंकि हम वी वन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लेंगे, तो रिपेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें लगा दिया हमने आईएनजी, पूरा बन गया रिपेंटिंग। अब ना तुम क्यों पछता रहे हो बाबूजी, तुम क्यों पछता रहे हो, व्हाई आर यू रिपेंटिंग। सपोज कीजिए कि आपने किसी से कहा कि इसे मत खरीदिए, आप अपने फ्रेंड को कह रहे हैं डोंट बाई डोंट बाई डोंट बाई इट, इसे मत खरीदिए, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा आपकी। ओके, ही जस्ट टर्निंग अ डेफ ईयर टू यू, सो इन दिस केस क्या हो, उसने खरीद लिया उस चीज को, ही बॉट दैट। अब बाद में क्या हुआ, लेटर एंड द पर्सन इज रिपेंटिंग, अब कह रहे यार मैंने खरीद लिया यार, ये बड़ा महंगा है, बेकार है, इट्स अ व्हाइट एलिफेंट, इट्स व्हाइट एलिफेंट। तो व्हाइट एलिफेंट का मतलब तो कोई चीज जो महंगी हो, यूजलेस हो, बिल्कुल बेकार, उसे बोलते हैं व्हाइट एलिफेंट। तो अब आपको थोड़ा सा इरिटेशन के साथ गुस्सा है और आपने बोला तब तो तूने सुनी नहीं मेरी और अब तुम क्यों पछता रहे हो भाई, तो अब तुम क्यों पछता रहे हो, तो इसे बोलेंगे इंग्लिश में हम व्हाई आर यू रिपेंटिंग, क्या बोलेंगे हम इसको, व्हाई आर यू रिपेंटिंग, आप क्यों पछता रहे हैं, इस तरीके से बनाएंगे सेंटेंस को। अब इसको रेस कर रहा हूं और मैं अगला वाक्य बनाता हूं। अब मैंने अगला वाक्य बनाया यहां पे, अब जैसे मैं बोलू कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, क्या हमारा डोल्यूशन लिखा वर्ड, इसके लिए हमने व्हाट लगाया, है ना। अब देखो क्या, जब शुरू में क्या आ रहा था तो मैं देखो मैं इज एम आर ले रहा था, लेकिन अब यही क्या बीच में आ गया, अब वही वाला क्या, लेकिन क्या शब्द बीच में आ गया, तब ये डब्ल्यू एच फैमिली का शब्द बन जाएगा, तो इसके लिए हम क्या के लिए व्हाट लगाएंगे, अब हम यहां पे व्हाट लेंगे, व्हाट ले लिया मैंने इसके लिए, फिर आर आर लिया, और आर के बाद सब्जेक्ट में यू है तो यू ले लिया, और यहां पे सोचना यानी सोचने को हम क्या कहते हैं, मैं आपको बता दूं, जब कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा विचार मगन होकर ऐसे चुपचाप बैठकर ऐसे करके ऐसे ऐसे सोच रहा हो, कोई आपका फ्रेंड आया चलो सुनो, अब क्या सोच रहा है भाई, क्या सोच रहे हो तुम, तो व्हाट आर यू पॉन्डरिंग, सोचने को बोलते हैं पॉन्डर, मन से पॉन्डर कहते हैं, इसमें लगा देंगे हम ing और क्वेश्चन टैग बन गया हमारा, ओ हमारा क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने, अब बन गया व्हाट आर यू पॉन्डरिंग, तुम क्या सोच रहे हो, है ना, व्हाट आर यू पॉन्डरिंग, तुम क्या सोच रहे हो, इस तरीके से याद कर लीजिएगा पॉन्डर सोचना। तो नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम, तो बस डब्ल्यू एच श्रेणी का वर्ड जब भी वाक्य के बीच में आएगा आपको उसको पहले रख देना। अब जैसे मैं बोलूं कि एक सेंटेंस की आप, चलिए आपकी एग्जाम्पल बहुत ली है, मैं लिख दूं कि वे, एक सेकेंड, वे मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, वे मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, वे मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, और ये मेरा क्वेश्चन मार्क। अब मैंने बोला कि वह मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, जैसे बहुत सारे लड़के हैं अब मेरे को कह रहे हैं चलो 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 वहां चलते हैं, अब मुझे पता ही नहीं मुझे किस जगह ले जा रहे थे, मैंने ऐसे बोला यार वह मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, यार वह मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, तो कहाँ को क्या कहते हैं, कहाँ को हम कहते हैं वेयर, तो इसके लिए आया वेयर
डब्ल्यू से लिखा वर्ड वेयर आया, फिर वह मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, तो कौन ले जा रहा है, वे ले जा रहे हैं, तो दे सब्जेक्ट है, तो दे के साथ क्या आएगा आर, क्योंकि जो काम करेगा वही सब्जेक्ट है। वह मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, तो वे ले जा रहे, तो वेयर डब्ल्यू से लिखा वर्ड कहाँ आर, फिर सब्जेक्ट में दे ले लिया मैंने यहां से, देखिए बन गया ना डब्ल्यू से लिखा वर्ड वेयर, फिर आर सब्जेक्ट में दे, दे नॉट लिया नहीं क्योंकि इसमें नॉट है ही नहीं। ले जाने को जब हम किसी व्यक्ति को कहीं पर एक स्थान से दूसरी जगह ले जाएं तो टेक लगाते हैं, क्या लगाते हैं टेक, और टेक में लगा देंगे हम आईएनजी, तो वेयर दे आर टेकिंग मी, मी मतलब ऑब्जेक्ट हमारा हो गया, तो ये बन गया हमारा सेंटेंस वेयर दे आर टेकिंग मी, वह मुझे कहां ले जा रहे हैं, इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाएंगे। तो जब भी ऐसा भी कोई भी इंट्रोगेटिव का वाक्य बनता है आप बस वर्ड मीनिंग को लगाते रहिए, डब्ल्यू से लगा वर्ड अगर आता है बीच वगैरह में तो आप लगाते रहिए। जैसे एक सेंटेंस और ले लो आप, मैं इसको एग्जांपल और ले लेता हूँ, जैसे मैंने बोला कि ऐसे करके हम खेलते, जैसे आपसदारी में हम दोस्त होते हैं, हम उम्र होते थे हम बोलते थे, जैसे बोलू कि तू, मैंने बोला तू किसे, तू किसे बुला रहा है, तो किसे बुला रहा है, ऐसे अब किसे आ गया, किसे, तू किसे बुला रहा है ना, तू किसे बुला रहा है। और जैसे लाइक फॉर एग्जांपल आप कोई आवाज देने लगा, कौन लगा, अरे आजा आजा, जो फोन पे बोलेगा अरे अरे आजा ना यार मैं घर पे हूँ, आजा आजा, ओके नो ओके कम कम कम, आई एम एट होम, मैं घर पे हूँ, आजा आजा आजा, चल ठीक है ओके नो प्रॉब्लम, आई एम एट होम, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू नाउ, कम एट ओके कम, तो आप वहीं बगल में खड़े थे, अब आपको पता नहीं फोन पे किसे कह रहा है आजा आजा आजा, है ना, तो आपने बोला तू किसे बुला रहा है, तू किसे बुला रहे, यानी तुम किसे बुला रहे, किसे को इंग्लिश में बोलते हैं हम होम, डब्ल्यू चैनल का वर्ड आ गया हमारा होम, होम यानी किसे, और होम के बाद क्या आएगा आर, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है इसमें, टू है, तो यहाँ पे आ गया होम आर यू, और बुलाने को कहते हैं हम कॉल, और कॉल में लगा दिया हमने आई एन जी क्वेश्चन मार्क, तो बन गया सेंटेंस, मैंने बोला हुम आर यू कॉलिंग, हुम आर यू कॉलिंग, और मैं से ये भी कह सकता हूँ टू हुम आर यू कॉलिंग, तो यहाँ पे मैं हुम भी लगा सकता हूँ और मैं यहाँ पे टू हुम भी लगा सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, टू हुम आर यू कॉलिंग या हुम आर यू कॉलिंग, तुम किसे बुला रहे हो। अब यही सेंटेंस ऐसे बन जाता, जैसे मान लो कोई फोन पे बातें कर रहा है, मैं आया, कई बार देखा होगा अपने कुछ फ्रेंड्स होते हैं हमारे कि हम आए और आपका फ्रेंड पहले से लगा पड़ा है फोन में किसी से बात करते हैं, आप आ रहे थे तब जैसे बोलने जा रहे थे उसने ऐसे बोल दिया, ऐसे इशारे में कर दिया, अब बात हो गई काफी देर, फोन रख दिया उसने, तो आपने पूछा किससे बात कर रहा, किससे बात कर रहा है तू, किससे बात कर रहा है, तो इसे कैसे बनाएंगे सेंटेंस में, देखिए क्योंकि हम अपनी आम दिनचर्या में ऐसे ही वाक्यों को यूज करते हैं, मैंने बोला कि तुम किससे बात कर रहे हो, ऐसे करो, तुम किससे बात कर रहे हो, अगर आप चाहें तो इसे हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हैं, तुम किससे बात कर रहे हो। अब कई बार आपने देखा होगा कि सपोज कि आप किसी व्यक्ति से समझा रहे हैं उसको, नहीं ऐसा नहीं होता, ये गलत है, इसे ऐसे करो वैसे करो, वो बंदा सुन के राजी नहीं आपकी बात, तो मैंने कहा, मैंने आपको जैसे आप कोई समझदार व्यक्ति हुआ तो उसने उसे समझाया, अरे यार रहने दे समझे मुझे ने, फिर उसने आपसे कहा अरे किससे मुंह लग रहा है यार, किससे बात कर रहा है, कहते नहीं अबे तू किसके मुंह लग रहा है यार, तू किससे बात कर रहा है, इस तरीके से, तो ऐसे सेंटेंस बनाने को हम ये बोलेंगे, तो किसे क्या बोलेंगे हम होम, किससे और किसे को भी हम होम कहते हैं, मैं आपको अलग से पढ़ा दूंगा कि होम का यूज कहाँ कहाँ होता है, होम होम एवर फॉर होम ये हुज वगैरह, मैं अपनी वीडियो में अलग अलग से डालूंगा, आप टेंशन मत लीजिए, फिलहाल अभी समझिए किसे को क्या बोलते हैं होम, और होम फिर आएगा यहाँ पे आर, सब्जेक्ट में कौन है यू, होम आर यू, डब्ल्यू से लगा वर्ड होम आया, फिर आर लिया, फिर सब्जेक्ट में यू था, अब बात करने को क्या क्या कहते हैं बेटा टॉक, टॉक में लगा दिया हमने आई एन जी और टू, ऐसे बना दिया मैंने क्वेश्चन मार्क बना के, ऐसे बना दिया मैंने हुम आर यू टॉकिंग टू, ऐसे बना दीजिए या फिर आप इसे ऐसे बना दीजिएगा, शुरू में टू लगा के टू हुम आर यू टॉकिंग, टू हुम आर यू टॉकिंग, तुम किससे बात कर रहे हो, इस तरीके से। अब मैं सेंटेंस बनाऊं कि जैसे कि आप क्या खरीद रहे हो, व्हाट आर यू परचेजिंग या व्हाट आर यू बाइंग, तू क्या बक रहा है, व्हाट द हेल आर यू सेइंग, ठीक है, तू क्या सोच रहा है, व्हाट आर यू पॉन्डरिंग, एंड
हम कहाँ रो रहे हैं, वेयर वी आर वीपिंग, ठीक है, हम कहाँ झूठ बोल रहे हैं, वेयर वी आर टेलिंग अ लाई, ठीक है। अब मैं बोल दूँ कि यार कि तुम रो क्यों रही हो, वाई आर यू क्राइंग, ठीक है। एंड मैं बोलूँ कि तुम कहाँ आ रही हो, वेयर आर यू कमिंग, लाइक दिस वे। अब मैं बोल दूँ कि इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं बहुत सारे। तो आपको आई होप आप समझ में आ गया होगा कि हमें डब्ल्यू चैनल का वर्ड कहाँ लगाना है और क्या कहते हैं इसको हमें इज एम आर कहाँ पे आता है। तो एक बार पर छोटा सा और बता दूं कि जब वाक्य के शुरू में क्या आएगा तो उस वाक्य की शुरुआत इज एम आर से कीजिएगा। जब डब्ल्यू चैनल का वर्ड बीच में आएगा तो उसको डब्ल्यू चैनल का वर्ड पहले रखिए, फिर इज लगाइए, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्की फर्स्ट फ्रॉम एनजी ऑब्जेक्ट। जब डब्ल्यू चैनल का वर्ड बीच में है तो पहले डब्ल्यू चैनल का वर्ड, फिर एम, फिर आई, फिर नॉट, वर्की फर्स्ट फ्रॉम एनजी ऑब्जेक्ट। ऐसी जब डब्ल्यू चैनल का वर्ड बीच में आए सेंटेंस के तो डब्ल्यू चैनल का वर्ड रखें शुरू में, फिर आर, फिर यू भी दे, इनमें सब्जेक्ट जो भी है वो ले लीजिए। जैसे मान लो बॉयज आ गया तो मैंने कहा कि लड़के क्या कर रहे हैं, लड़के क्या कर रहे हैं, तो व्हाट आर द बॉयज डूइंग, तो बॉयज के साथ भी आ रहा है तो व्हाट आर द बॉयज डूइंग, ऐसे। अब इससे एग्जांपल देखते हैं थोड़े से। यस, देखिए एग्जांपल, मैं बोलूं कि आप बीच में क्यों टांग अड़ा रहे हैं, आप बीच में क्यों टांग अड़ा रहे हैं, तो टांग अड़ाना, टांग अड़ाना उसे हम बोलते हैं स्टेप इन। क्या बोलते हैं? स्टेप इन। स्टेप इन का मतलब ये होता है बीच में बोलना, बीच में बोल पड़ना या टांग अड़ाना। तो मैंने कहा भाई मैं किसी से बात कर रहा था, बीच में वो क्या हो रहा है, मैंने कहा भाई व्हाई आर यू स्टेपिंग इन, तू बीच में क्यों बोल रहा है भाई, तू बीच में टांग क्यों अड़ा रहा है। देखिए आप बीच में क्यों टांग अड़ा रहे हैं, वाई आया डब्ल्यू छोली का वर्ड, देखिए वाई, फिर यू था तो यू के साथ आ रहा है, अभी मैंने समझाया था रूल में वही, व्हाई आर यू स्टेपिंग इन, ऐसे। वह अपनी गलती क्यों नहीं मान रहा है, गलती मानने को कभी भी आप एक्सेप्ट वर्ड ना लगाएं, गलती मानना, गलत चीज को मानने को हम एडमिट कहते हैं, हम एडमिट कहते हैं। कई बार क्या होते हैं कि आपको नहीं पता तो कुछ लोग ऐसे बोल देते हैं कि आई एम एक्सेप्टिंग माई मिस्टेक, आई एम एक्सेप्टिंग माई मिस्टेक। Even I just tell you that it's incorrect English, क्योंकि आप कोई गलती कर देते हो उसको मानने को हम बोलते हैं admit। जैसे बोलो कि मैं अपनी गलती मानता हूं तो मैं बोलूंगा I admit my mistake, I admit my mistake। तो यहां पे sentence था कि वह अपनी गलती क्यों नहीं मान रहा है, तो ये बन जाएगा why is, क्योंकि वह है subject में, तो why is he not admitting, why is he not admitting his mistake, मैं अपनी गलती क्यों नहीं मान रहा है। अब मैं बोलूं तुम आवारागर्दी क्यों कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, दोस्त है, छोटा भाई है, इधर उधर मतलब घूम रहा है, मटरगस्ती कर रहा है, तो मैं तू आवारागर्दी क्यों कर रहा है, इधर उधर कहाँ घूम रहे हो तुम यार, है चलो घर जाके पढ़ाई करो, गो टू होम एंड स्टडी। तो इस तरीके से सेंटेंस कि तुम आवारागर्दी क्यों कर रहे हो, तो आवारागर्दी करने को कहते हैं लॉइटर, तो लॉइटर में हमने लगा दिया आई एन जी। तुम आवारागर्दी क्यों कर रहे हो, तो व्हाई आर यू लॉइटरिंग, तो व्हाई आर यू लॉइटरिंग, यानी लॉइटर का मतलब होता है आवारागर्दी, व्हाई आर यू लॉइटरिंग, तुम आवारागर्दी क्यों कर रहे हो। फिर मैंने बोला तुम हर चीज में अपनी मनमानी करते हो, मनमानी करने को बोलते हैं हैव योर ऑन वे, ये पूरा एक फ्रेज वर्ड है। जैसे मैं बोलूं कि तुम हमेशा अपनी मनमानी करती हो, तो हमेशा अपनी चलाती हो, यू ऑलवेज हैव योर ऑन वे, यू ऑलवेज हैव योर ऑन वे, तुम हमेशा अपनी चलाती हो, तब ये रहा रही में थे तो इसमें हैविंग में एनजी लगा दिया। तुम हर चीज में अपनी मनमानी करती हो, तो यू आर ऑलवेज हैविंग योर ऑन वे, और हर चीज में, तो मैंने हर चीज के लिए मैंने यहां पर लगा दिया इन, इन एवरीथिंग, इन एवरी थिंग, ऐसे करके इन एवरी थिंग। अब मैंने बना दिया कि यू आर, तुम हर चीज में अपनी क्यों मनमानी कर रहे हो, तो वाई आर यू हैविंग योर ऑन वे इन एवरी थिंग, वाई आर यू हैविंग योर ऑन वे इन एवरी अफेयर, इन एवरी मैटर, ऐसे करके सेंटेंस को बना देंगे। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। ऐसे वह क्यों पछता रही है, तो why is she repenting, मैंने भी पढ़ाया था repent मतलब पछताना, तो why is she is repenting। तुम मुंह क्यों फुला रही हो, तो मुंह फुलाने को, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड है या और आपकी मतलब फ्रेंड है या कोई भी ले लो यार, आप घर पे पहुंचे, मान लीजिए सपोज कीजिए पहुंचे, आपसे बोलो और कैसी हो, ठीक हो, घर में सब बढ़िया है, अरे वो मुंह फुला के, मैंने कहा मुंह क्यों फुला रही हो, हैं? Why are you making a leap? Why are you making a leap? मुंह फुलाने को, जैसे मुंह फुलाने को ऐसे रूठने को, मुंह फुलाने को, मैंने कहा मुंह क्यों फुला रही हो मैडम, Why are you making a leap? I'm going, मैं जा रहा हूँ, ओके। तो ऐसे कहे तुम मुंह क्यों फुला रही हो, तो Why are you making a leap? तो मेक अ लिप, मुंह फुलाना, मुंह फुलाना, तो Why are you making a leap? तुम मुंह क्यों फुला रही हो। अब मैंने बोला क्या
आपका जन्मदिन रविवार को पड़ रहा है, जैसे कोई त्योहार कोई चीज पड़ रहा है, जैसे बोलूं कि मैं बोलूं कि दिवाली दिवाली सोमवार की पड़ रही है, तो दिवाली इज फॉलिंग ऑन सैटरडे, शनिवार की पड़ रही है सैटरडे, ऐसे करके इस तरह। मैं अभी यहां पे ये सेंटेंस बन गया, क्या आपका जन्मदिन रविवार को पड़ रहा है, तो इज योर, यहां पे हम लगाएंगे इज योर, ऐसे करके। यस, क्या आपका जन्मदिन रविवार को पड़ रहा है, तो इज योर बर्थडे, एक्चुअली क्या सम ऑफ द गाइस जस्ट प्रोनाउंस द वर्ड्स इन अ बर्थडे, ओके, इट्स द बर्थडे इज अ बर्थडे, ओके, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज अ बर्थडे, तो इज योर बर्थडे फॉलिंग ऑन संडे, क्या आपका जो बर्थडे है वो शनिवार रविवार को पड़ रहा है, रविवार को मतलब है, तो फॉल में हमने आईएनजी लगा दिया, फॉलिंग ऑन कोई चीज किसी में पड़ती है, इस तरीके से। तो आप इस तरह से आप इंट्रोगेटिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के आप बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। प्लीज अगर आपको वीडियो में कोई भी आपको कोई कमी या आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया जो मैंने आप पढ़ाने की कोशिश की है, यहाँ पे कोई चीज़ अगर आपको कोई दिक्कत करी हो या कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ आप मुझको कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ और आपका आपके जो दिमाग में जो भी उलझन जो परेशानी उत्पन्न हो रही है मैं उसका पूरा पूरा समाधान कर सकूँ। सो एंड सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब्स खाटू श्याम इंग्लिश वाला, खाटू श्याम इंग्लिश वाला, जय श्री हरि।